लेटेस्ट अपडेट लेके आ रहा हूँ एंड अभी जितने भी एथलीट्स हैं ऑलरेडी सारे वहां पे पहुंच चुके हैं, सब अपना रजिस्ट्रेशन एंड टैग नंबर ले रहे हैं। और ये जो कार्ब्स लोडिंग के दिनों में आप सबने देखा होगा कि कितने फ्री की बॉडी बिल्डर्स आए हैं, और गाइस इस बार का मिस्टर ओलंपिया बहुत ही अच्छा जाने वाला है या टफ जाने वाला है कह सकते हो, बिकॉज बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इस बार क्वालिफाई किए हैं बिकॉज प्रो शो बहुत हुए हैं और नए नए टैलेंटेड सामने आए हैं। तो चलिए मैं टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स के नाम बताने वाला हूं जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में टॉप 10 पे आएंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं उन लेजेंड्स के नाम बताने वाला हूं जिन्होंने प्रेडिक्शन की है कि कौन कौन टॉप 5 में टॉप 10 में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो लेजेंड्स हैं जो उन्होंने अपनी राय दी है कि ये लोग टॉप 10 में आ सकते हैं। तो फर्स्ट फॉल शुरू करते हैं रोनी कोलमैन से। रोनी कोलमैन जी ने फर्स्ट नंबर पे रखा है बिग रैमी को, ऑफकोर्स बिग रैमी ऑफकोर्स बनते हैं फर्स्ट नंबर पे। एंड सेकंड नंबर पे आगे ने रखा है ब्रैंडन करी को, एंड द थर्ड वन इज हार्डी चौपन। फोर्थ नंबर पे रखा है विलियम बर्नार्ड को। फिफ्थ नंबर पे रखा है निक वॉकर को, बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं वैसे रोनी कोलमैन। एंड सिक्स नंबर पे रखा है हंटर लब्राडा को। सिक्स नंबर पे रखा है मिशेल क्रूजो को। एंड सेवेंथ नंबर पे रखा है एंड्रू जैक को। एंड एट नंबर पे रखा है हंटर लब्राडा को। और नाइन्थ नंबर पे रखा है ब्लेसिंग आबू। एंड टेंथ नंबर पे उन्होंने रखा है सैमसन दादो को। तो ये थी प्रेडिक्शन रोनी कोलमैन की। तो चलिए नेक्स्ट लेजेंड्स की बात कर लेते हैं, डेनिस जेम्स जो अपने मैसिव साइज की वजह से जाने जाते हैं। इनकी टॉप 6 प्रेडिक्शन देख लेते हैं। बिग रैमी फर्स्ट, ऑफकोर्स निक वॉकर को इन्होंने सेकंड नंबर पे रखा है बिकॉज ही इज अ फ्रीकी, एंड निक वॉकर को आई डोंट नो क्या देखा है इन्होंने। एंड ब्रैंडन करी को थर्ड नंबर पे रखा है इन्होंने, एंड विलियम बर्नार्ड को फोर्थ नंबर पे रखा है, हार्डी चौपन को फिफ्थ नंबर पे, प्लेसिंग थोड़ी सी हिल गई है। एंड डेरिक लैंडफोर्ड को रखा है सिक्स नंबर पे, ये बिल्कुल ही टोटली चेंज कर दिया है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चार्ड निकोलस। बहुत ही बड़े कोच हैं और रोनी कोलमैन के भी कोच हैं, बिग रैमी के भी कोच हैं, बड़े बड़े एथलीट्स इन्होंने रेडी किए हैं एंड इनके सारे एथलीट मास मॉन्स्टर रहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे रखा है इन्होंने बिग रैमी को, एंड सेकंड नंबर पे रखा है विलियम बर्नार्ड को, एंड थर्ड नंबर पे रखा है इन्होंने हार्डी चौपन को, फोर्थ नंबर पे रखा है इन्होंने निक वॉकर, एंड फिफ्थ नंबर पे रखा है इन्होंने हंटर लब्राडा, एंड सिक्स नंबर पे रखा है इन्होंने सैमसन दादो को। एंड द नेक्स्ट वन इज चलिए कहते हैं मार्क सुरल। मेरे बहुत फेवरेट एथलीट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कभी मिस्टर ओलंपिया बन नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ शोल्डर बहुत ही बड़ा था और मुझे लगता था लेग्स की सिमेट्री उसके साथ मैच नहीं करती थी। तो मार्क रोहल की बात करते हैं तो उन्होंने बिग रैमी को फर्स्ट नंबर पे रखा है, विलियम बर्नार्ड को सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रखा है उन्होंने हार्डी चौपन को, एंड फोर्थ नंबर पे रखा है हंटर लब्राडा लास्ट टाइम भी फोर्थ नंबर पे थे, एंड डेरिक लॉन्सफोर्ड को रखा है उन्होंने फिफ्थ नंबर पे, एंड्रू जैक को रखा है सिक्स नंबर पे। एंड नेक्स्ट हमारे लेजेंड्स हैं डेक्सर जैक्सन ने रखा फर्स्ट नंबर पे बिग रैमी अगेन, विलियम बर्नार्ड सेकंड, निक वॉकर थर्ड, ब्रेंडन करी फोर्थ, हार्डी चौपन फिफ्थ, एंड सैमसन दादा सिक्स नंबर पे। ठीक है, मुझे इनका थोड़ा सा ठीक लगा। तो चलिए गाइस बात करते हैं बिना टाइम किसी वेस्ट किए मैंने टॉप 10 प्रेडिक्शन क्या की है। ये मैंने प्रेडिक्शन की है कि मुझे लगता है कि जजेस का इस बार क्राइटेरिया जो होगा वो पहले तो बॉडी बिल्डर साइज गेम खेल रहे थे एंड मुझे लगता है कि इस बार वो एस्थेटिक लुक को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे एंड लीन वालों को ज्यादा जिताएंगे। तो इसलिए मैंने और बिग रैमी को इसलिए रखा है, मास मॉन्स्टर तो है ही, जितनी मर्जी कंडीशनिंग लेके आ जाए इनका मसल नहीं कम होने वाला।
तो मैंने बिग लैमी को रखा है फर्स्ट नंबर पे, विलियम भरनाक को रखा है सेकंड नंबर पे, बिकॉज मुझे लगता है कि विलियम भरनाक जो है वो एस्थेटिक लुक के मास्टर है, कंडीशनिंग की कोई कमी नहीं है, बिकॉज चार निकोलस के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं और लेग्स का जो जैसे ही उन्होंने अपडेट दी है, लेग्स इंजरी की वजह से वीक हो गई थी इनकी, लेकिन अब बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे लगता है विलियम भरनाक इस बार हार्डी चौपन को बीट करेंगे, बिकॉज हार्डी ब्रेंडन करी को बीट करेंगे, क्योंकि ब्रेंडन करी की कंडीशनिंग बहुत ही बेकार है, मैं कहूँ मुझे लगता है कि एंड उनके ग्लूट्स एंड थाइज बहुत ही वीक है अगर हम विलियम या बिग रैमी से कंपैरिजन करें, तो ब्रेंडन करी को इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे रिप्लेस कर दिया है, विलियम भरनाक सेकेंड, द थर्ड वन इज हार्डी चौपन। हार्डी चौपन की कंडीशनिंग लाजवाब होती है, हमेशा कंडीशनिंग पे वर्क करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो साइज वो लेके आएंगे, और विलियम भरनाक और हार्डी चौपन की बहुत जबरदस्त फाइट होने वाली है, लेकिन मैंने हार्डी को सेकंड नंबर पे रखा है, और तो सॉरी थर्ड नंबर पे रखा है, एंड द फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है ब्रैंडन करी को। ब्रैंडन करी साइज बहुत अच्छा है, लैट स्प्रेड पोज जो यहाँ पाइसर पोज बहुत ही अच्छा आता है, इनका बैक बहुत अच्छी है, लेकिन लेग्स में अगर हम बैक में देखें, हैमस्ट्रिंग में देखें, तो वीक पार्ट है उनका, लेकिन साइज अगेन इज अ मास मॉन्स्टर, तो मुझे लगता है कि कंडीशनिंग आगे से थोड़ी सी बेटर ले आए ये, तो ये थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, बट मैंने इनको इसलिए रिस्क नहीं लिया, फोर्थ नंबर पे रखा है। फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है निक वॉकर को। निक वॉकर इज अ फ्रीकी बॉडी बिल्डर, एंड अगर हम लेटेस्ट पोस्ट देखें उनकी, तो बहुत ही रिप्ड और टाइट एंड क्रिस्पी कह लो, या एक हार्ड लुक लेके आते हैं मसल में, उनका एब्स का साइज बहुत ही ऑसम है, डेप्थनेस है एब्स में, और गट को लेके क्रिटिसाइज किया गया, या उनको वेरिकोज वेन की वजह से क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने सबका आंसर दिया है, जब वो स्टेज पे होते हैं तो उनको पता है उन्होंने अपने गट को किस तरह से कंट्रोल करना है, तो जब वो पोज देते हैं उनके पोजेस में किसी तरह की मुझे नहीं लगता कोई कमी होती है, और यस फ्रंट लैट स्पैड थोड़ा सा उनका ओके टाइप होता है, बट ही हैज अ नाइस फिजिक, तो ही इज गुड बॉडी बिल्डर। निक वॉकर मुझे लगता है फिफ्थ नंबर पे आएंगे। एंड्रयू जैक को मैंने सिक्स नंबर पे रखा है, काफी सारे लेजेंड बॉडी बिल्डर ने भी एंड्रयू जैक को सिक्स नंबर पे रखा है। द रीजन बिहाइंड की एंड्रयू जैक की फिजिक एस्थेटिक है, तो जजेस का क्राइटेरिया जो होगा इस टाइम एस्थेटिक फिजिक पे ज्यादा फोकस होगा, एंड ही हैज अ साइज ऑल्सो, एंड पोजिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए एंड्रयू जैक को मैंने सिक्स नंबर पे रखा है। एंड द सैमसन दादा को मैंने सेवन्थ नंबर पे रखा है। सैमसन भैया जी बहुत ही एस्थेटिक लुक के मालिक हैं, और साइज भी बहुत उनके पास अच्छा है, एंड सिमेट्री की बात करूं, सिमेट्री भी बहुत अच्छी है, बट मैं एंड्रयू जैक और सैमसन के बीच में अगर एक ब्यूटीफुल बॉडी की बात करूं, तो मुझे एंड्रयू जैक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड सिमेट्री बहुत अच्छी है, लैट्स में जब वो बाइसेप्स पोज देते हैं स्पेशली, या लैट स्प्रेड पोज देते हैं, आप सुन के तब भी दिख रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने सैमसन दादा को सेवन्थ नंबर पर रखा है। हंटर लब्राडा, हंटर लब्राडा लास्ट टाइम टॉप फाइव में थे, मैंने देखिए ये एक कॉन्ट्रोवर्सी चलता रहता है, लेकिन हंटर लब्राडा को टॉप टेन में से आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हंटर लब्राडा मेरे अकॉर्डिंग एट नंबर पे हैं, जो उनकी कंडीशनिंग और मास मॉन्स्टर हैं वो, लेकिन कंडीशनिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी लास्ट टाइम उनको निक वॉकर से जिता दिया गया था, एंड बट अकॉर्डिंग टू मी हंटर लब्राडा मुझे लगता है एट नंबर पे आएंगे। माइकल क्रूजो, सॉरी माइकल क्रूजो गाइस नाइन्थ नंबर पे मैंने रखा है। माइकल क्रूजो अगेन इनकी मसल बैली बहुत ही बड़ी है, और बहुत बड़े साइज के मालिक हैं ये, एंड लास्ट टाइम जैसे कि हमने देखा, हालांकि कुछ बॉडी बिल्डर्स ने लेजेंड्स ने इनको टॉप फाइव में भी रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि उन्होंने लास्ट प्रो शो में कम्पीट किया था, जीत तो गए थे लेकिन बहुत मुश्किल से जीते थे, पोजिंग में बहुत प्रॉब्लम थी, या ब्रेथलेस हो गए ट्रांजिशन करते हुए, इन्होंने गट को छोड़ दिया, गट पे कंट्रोल नहीं था, थक गए थे और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, अगर ये प्रॉपर वर्क करके आए या कंडीशनिंग पे काम करें अपनी, थोड़ा चेस्ट साइज भी वीक है,
तो और आगे बढ़ सकते हैं, पोटेंशियल बहुत है। मुझे लगता है आने वाले मिस्टर ओलंपिया 2 या 3 साल में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो माइकल क्रूजो को मैंने इस टाइम पे रिस्क नहीं लिया, तो 9th नंबर पे रखा है। 10th नंबर पे रखा है डेरिक। डेरिक लॉन्सफोर्ड मेरे पर्सनली कहूँ तो मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये और ऊपर हैं, इनकी बैक या लेग्स का कोई मुकाबला नहीं है। तो लेट्स सी अगर जजेस को इनकी जो सिमेट्री है, एंड ही इज ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया 212 में ये जीत चुके हैं, तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे ओपन मेंस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। तो ये थे गाइस मेरे टॉप 10 प्रेडिक्शंस मिस्टर ओलंपिया की। सो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन इस साल का मिस्टर ओलंपिया विन करेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन वीडियो में बनाऊंगा, बिकॉज अभी मिस्टर ओलंपिया का कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसके बाद मिस्टर इंडिया होने वाला है जो कि लुधियाना में होने वाला है। एंड जो जो लोग लुधियाना में आएंगे, आई एम फ्रॉम लुधियाना पंजाब, सो प्लीज मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा जिम है, आप मेरे जिम में फ्री वर्कआउट कर सकते हैं। आप मुझे लगता है कि बिफोर 1 वीक लोग आ जाते हैं अपने कॉन्टेस्ट के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कआउट कर सकते हैं। ये मेरे उन सारे भाई एथलीट्स के लिए है ये न्यूज़। तो स्टे ट्यून, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन है, मैं लिंक भेज दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मेन फिजिक की। मेन फिजिक का खुद मैं एथलीट हूँ, तो मुझे ये मेन फिजिक डिवीजन जो है पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मेन फिजिक की वीडियो में मिलते हैं, स्टे ट्यून।